parents in India. Yeah, I think it's really important to catch kids early in life and tell them about, you know, about different professions, about, you know, journeys, about, and then I think people from all walks of life are here. So I think kudos to the people who have put this together, Capital, Even Capital, Varsalu, you all apartment. Okay, so kudos to the people who have put this together, Even Capital. I think edutainment is genuinely a different concept where education and entertainment comes together on one platform and makes people, especially kids who are from school and college, understand what path of life they want to choose. Okay, इसी के साथ में जब स्टूडेंट्स से मिलते हैं, जब ऐसे किसी सेमिनार्स को अटेंड करते हैं, जब जर्नी शेयर करने का जब मौका मिलता है, टाइम मिलता है, तो कुछ आपको आपके कॉलेज की कुछ मेमोरीज की जैसे याद आती हैं? आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ इवेंट्स वेयर आई हैव सैट इन द ऑडियंस एंड यू नो एंड आई हैव हर्ड पीपल टॉक फ्रॉम ओपी नय्यर सर टू शाहरुख सर एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज क्वाइट ग्रेटिफाइंग एंड टू कम हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ the panel and talk on the stage and not be a part of the kids in the audience. It's such a I think God has been very kind, and I think you have to be really blessed to take that shift. And I enjoyed my session. I hope kids enjoyed my session. Okay, par isse sath mein kis tarike se dekhte hain sari journey ko audience se stage pe aane tak ki, jaise kya bola? Yeah, as I said, you only have to be blessed to have such a journey. A lot of people dream to do a lot of things in life, but sometimes they don't, you know, get fulfilled. I think we all here are blessed ones jinke sapne genuinely pure hue hain, and we are genuinely living a dream, you know. Especially if you talk about me, I never thought 10 years back that this is going to happen, you know, in life. And if anyone can learn from that journey, I mean, I'll be more than grateful to the God that I've been able to help someone to crack it. But having said that, I think everyone, each one of us, anywhere in the world, will have their own journey. You can only learn to get the reality checks right. Okay, आपके हिसाब से इंडिया में एजुकेशन कितनी जरूरत है और एजुकेशन जो सिस्टम है क्या मैं बोला तुम बोलो आपके हिसाब से क्या सॉरी कम अगेन इंडिया में एजुकेशन उनको भी आने दो आने दो उनको भी आने दो ऐसे नहीं कहा कोई नहीं कोई सर कुछ नहीं हुआ टेंशन नहीं है जिंदगी अच्छी है चलो दोबारा से ले लेंगे दोबारा से ले लेते हैं सर आप टेंशन मत लो यार आई थिंक एजुकेशन तो यार किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में जरूरत है हम तो फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं कहीं भी पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी आपको लगता है कि एजुकेशन सही तरीके से नहीं पहुँच रही है वहाँ पे पहुँचनी ज़रूरी है हैविंग सेड दैट नॉट टॉकिंग अबाउट आर कंट्री आई थिंक पिछले कुछ टाइम में हमने कुछ मेजर्स ज़रूर लिए हैं लेकिन हैविंग सेड दैट जो ग्रास रूट लेवल पे अभी चीज़ें मुझे लगता है थोड़ी सी ठीक करनी ज़रूरी हैं एंड एजुकेशन विल ऑलवेज बी द मेजर पार्ट ऑफ यू नो अपब्रिंगिंग फॉर एनीवन यू नो अगर आप एक सिविलाइज सिटीजन ऑफ द कंट्री बनना चाहते हैं आपको हमेशा एजुकेशन ही आधी चीज़ें सिखाएगा रादर जो हम इतनी सारी मुहिम छेड़ते रहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर यू नो सेफ वुमेन सेफ्टी को लेकर आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम जब आप अच्छी तरह एजुकेटेड होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा आइडिया होता है कि आपने सबको इक्वली कैसे ट्रीट करना है आपको यू नो किसको कैसे हर एक को कैसे इक्वल रिस्पेक्ट देनी है सो आई थिंक वो एजुकेशन पार्ट का ही सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट है सो एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ये भी कहना चाहूँगा कि एडुटेनमेंट यू नो शो है तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो भी फिल्में बन रही हैं एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन ये दो फैक्टर कितना ज़्यादा देखना है कि इन्वॉल्व है एक प्रोजेक्ट में देखो ऑफकोर्स फिल्में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं फिल्में हमें ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्रेरित भी करती हैं मुझे भी बचपन से काफ़ी फिल्मों ने प्रेरित किया लेकिन मैं इस पॉइंट पर ना ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि यार फिल्म में ये ऐसा कैसे दिखा सकते हैं इससे तो गलत भावना यू नो लोगों के दिमाग में आएगी कई लोग और कई बार तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हो जाते हैं यार एक फिल्म ना किसी की मतलब इतना प्रेरित नहीं कर सकती आप खुद अपना रियलिटी चेक आपके दिमाग में होता है अदरवाइज तो हम सब ने गैंग्स ऑफ वसीपुर देखी है हम सब तो नहीं बन गए मतलब बंदूक में हाथ लेकर नहीं खड़े हो गए शहर में सो
हर एक को अपना रियलिटी चेक, अपनी समझ खुद होती है कि फिल्म को देखने के बाद व्हाट यू हैव टू टेक होम, व्हाट यू डोंट हैव टू टेक होम. सो हैविंग सेड दैट, आई मीन देयर फिल्म्स व्हिच आर मेड फॉर सच मैसेजेस, देयर फिल्म्स व्हिच आर नॉट मेड फॉर सच मैसेजेस, वी नीड टू रिस्पेक्ट बोथ द फिल्म्स इक्वली. बाकी रही बात यू नो परसेप्शन की कि इस तरह से आपने उसको सीखना है क्या, क्या आपने घर लेके जाना है, वो टोटली आपके ऊपर है. ओके, पर इसी के साथ में जिस तरीके से बोला कि फिल्में बहुत ज्यादा प्रेरित भी करती हैं जी, वो तो मतलब ऐसी कोई फिल्म है जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रेरित किया हो? यार अभी मैं जैसे स्टेज पे भी कह रहा था कि आई हैव ऑलवेज बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन इन लाइफ एंड आई फंक्शन लाइक वन इवन टुडे. तो बचपन से अब तक मुझे जो जीता हुई सिकंदर ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है. वो फिल्म स्पोर्ट्स के ऊपर थी, वो फिल्म में भाइयों का प्यार दिखाया हुआ था वहाँ पे, यू नो स्कूल कॉलेज स्कूल हॉस्टल्स दिखाए हुए थे. तो आई थिंक एक कंप्लीट पैकेज था, इतने अच्छे गाने थे उस फिल्म में, यू नो डांस ऑफ हो रहा है और कितना कुछ हो रहा था. आई थिंक एक कंप्लीट वर्ल्ड था वो. एंड ऑफ कोर्स आमिर सर बीइंग आमिर सर इज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ कल्ट फिल्म्स. स्ट्रीट डांसर बस अब क्लाइमेक्स शूट करना बाकी है, बाकी सब टच वुड अच्छा शूट हो गया है. फिल्म में तकरीबन 12 गाने हैं एंड मज़ा आ रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ यू नो रेमोस फिल्म एंड ही इज जेन्युइनली अ टीम पर्सन. सबको एक साथ खाना और यू नो एंड यू नो बिकॉज देर इतने सारे डांसर्स होते हैं शूट पे, तो एनर्जी हमेशा अप टेम्पो रहती है एंड रियली हैप्पी दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जावेद अख्तर ने अभी रिसेंटली कहा है कि बुर्का बैन होने के साथ साथ घूंघट को भी बैन होना हटाना चाहिए, तो जिस पे करणी सेना ने उनको धमकी दी है कि अगर वो माफी नहीं मांग रहे तो आप बॉलीवुड का एक हिस्सा है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि हर बार वो बॉलीवुड के लोगों को इस तरह से धमकी देते हैं? देखिए पहली बात तो मैंने अभी बाय चांस की बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था और मैंने ये किस्सा नहीं पढ़ा है, तो मुझे आई डोंट हैव द फैक्ट्स ऑफ द यू नो एंटायर इंसिडेंट, सो आई डोंट रियली वांट टू कमेंट ऑन दैट. अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अराइज हुई है सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई एम एन एक्टर मुझे इस बारे में कहना ज़रूरी है कि मैं क्या क्या सही है क्या गलत, स्पेशली व्हेन आई डोंट नो द फैक्ट्स ऑफ द केस. आई थिंक इट विल बी नॉट राइट टू कमेंट. थैंक यू.